पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश का असर अब साफ देखा जा सकता है। लगातार हो रही बारिश के कारण जगह जगह केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ियां दरकनी शुरू हो गई हैं। आज सुबह रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के निकट बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी दरक गई और पहाड़ी से गिरे बोल्डरों की चपेट में दो वाहन आकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। लेकिन गनीमत ये रही कि चट्टान टूटते समय कोई भी वाहनों के अंदर मौजूद नहीं था और रुक रुक कर आवाजाही कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बद्रीनाथ हाईवे पर 1 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है और जाम में जो यात्री फंस रहे हैं उन्हें भारी दिक्कतें हो रही हैं। यह पहली घटना नहीं है। बारिश के कारण जिले में जो अन्य मोटर मार्ग हैं वह भी बंद हो रहे हैं और लगातार इसी प्रकार बारिश जारी रही तो इस बारिश का बुरा असर केदारनाथ धाम की यात्रा पर भी पड़ सकता है। बता दें कि पहाड़ों में हो रही बारिश के बाद भूस्खलन की घटनाएं और भी बढ़ गई हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे की कच्ची पहाड़ियां जगह जगह से दरक रही हैं। ऐसे में जहां चार धाम यात्रा प्रभावित हो रही है तो इन परेशानियां और भी बढ़ रही हैं। आज सुबह ही बारिश के कारण रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के निकट बद्रीनाथ हाईवे पर चट्टान टूट गई और हाईवे पर खड़ी कार और ट्रक चट्टान की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गए। चट्टान टूटने के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। अभी भी लगातार बारिश जारी है। ऐसे में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। चार धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को संभलकर आवाजाही करनी होगी। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल की रिपोर्ट।